सपा ने किया अहीर रेजिमेंट बनाने का वादा। समाजवादी पार्टी सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को पार्टी का विजय डॉक्यूमेंट जारी किया और इसमें सियासी फायदे के लिए सेना के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाने और अहीर रेजिमेंट को गठन समेत अनेक वादे किए हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि विजय डॉक्यूमेंट में राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, देश की खुशहाली के लिए पार्टी की योजना को पेश किया गया है। 16 पेज के दस्तावेज में राजनीतिक फायदे के लिए सेना और सैनिकों के इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगाने और अहीर बख्तरबंद रेजिमेंट को गुजरात इन्फेक्ट्री रेजिमेंट का गठन करने की, गरीब महिलाओं को 3,000 रूपए समाजवादी पेंशन देंगे, समाजवादी हस्तांतरण बढ़ाने के लिए अमीर लोगों को कुल संपत्ति पर 2% अतिरिक्त कर लगाने की, सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सख्त में पाबंदी हिसाब की बढ़ोतरी करने और मिशन मोड को नौकरियों में विकास कार्यों में बढ़ावा देने समेत अनेक वादे किए गए हैं। अखिलेश ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के हवाले से कहा कि गरीबों के खिलाफ लड़ाई का एक धोखा है, जब तक जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव का खिलाफ लड़ाई ना हो। उन्होंने आरोप लगाए केंद्र में वर्तमान सरकार के उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाया है और अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब और गमीर गरीब बनता जा रहा है, गरीबों और अमीरों के बीच में खाई बोने का काम कर रही है बीजेपी। उन्होंने कहा कि सरकार में देश में बेरोजगार और किसानों को आत्महत्या के आंकड़े छुपाए नहीं छुप रहे हैं, ये जरूरी है कि सब आंकड़े जनता के बीच जाए। उन्होंने दावा किया कि बैंक घाटे में है, विकास का रास्ता कुछ लोगों तक सीमित रह गया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसानों का पूरा कर्ज माफ किए जाने के पक्ष में है। क्या ये दस्तावेज सपा का चुनावी घोषणा पत्र है? अखिलेश ने कहा कि ये एक विजय डॉक्यूमेंट या पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए संदेश है ताकि वे भाजपा को जवाब दे सकें और विभिन्न मुद्दों पर पार्टी की रुख को समझ सकें। अखिलेश ने कहा कि भाजपा दावा करती है कि हमने विकास किया है, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं, अगर ये होता है तो नौकरियां मिलती। उन्होंने कहा कि आज जो देश के अंदर हालात हैं वो है मजबूत गठबंधन के, जिससे देश के अंदर सरकार बननी बहुजन समाज की सुनिश्चित हो चुकी है और भाजपा को लोग नापसंद करते जा रहे हैं क्योंकि भाजपा के कार्य ही उनके ऐसे थे कि वो उनको ले डूबेंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।